अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, गोपान चैनल के अंदर वेलकम कहता हूँ आपको। शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। कोई आपका सवाल, कोई आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे आप मुझे लिंक में आप भेज सकते हैं मुझे सवाल। मैं आपके सवाल का जवाब इंशाल्लाह वीडियो में दिया करूँगा। ये एलोवेरा के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। एलोवेरा आप देख सकते हैं, ये कम से कम दो या तीन इंच का लगा लें आप, और 3 इंच का पोर्ट होगा ये। और आप देख लें एलोवेरा इसके अंदर लगी हुई है, देख लें कितनी अच्छी ग्रो कर रही है। देसी एलोवेरा ये मेरे पास काफ़ी पानी एलोवेरा है। और ये आप देख लें नीचे से, ये देख लें पंप कर रही है, देख लें, ये देख लें आप नीचे से पंप कर रही है आपके सामने है, देख लें, ये देख लें इसके लीव देख लें आप कितने हरे हैं आपके सामने है, आप देख सकते हैं। इसको मैंने बलुई मिट्टी दी हुई है, इसको मैं पानी बस दिन में एक बार दे रहा हूँ। इसको मैंने सनलाइट के अंदर रखा हुआ है और कम से कम इसे 6 घंटे की सनलाइट दे रहा हूँ मैं इसको। इसे मैं गोबर खाद एक माह में मतलब 1 महीने के अंदर एक बार देता हूँ बस। तो उसका ज़्यादा आपके सामने देख लें, जहर से काफ़ी बड़ा हुआ है, काफ़ी मोटी है, ये देख लें, देख लें आपके सामने है एलोवेरा का जड़। दोस्तों बस इसे सनलाइट देनी है, इसे पानी दिन में एक बार नहीं तो सनलाइट में ज़रा रखा हुआ है, दिन में 2 बार पानी। मेरा पोर्ट छोटा है इसलिए मैं पानी एक बार दे रहा हूँ, आपका पोर्ट बड़ा है तो 2 बार पानी दें। इसे आप गोबर खाद कम से कम 1 माह में बस एक बार दें। केमिकल खाद है तो केमिकल ही आप 1 माह में एक बार दें बस। गोबर खाद का खाने वाला 1 चम्मच और केमिकल का 1/2 चम्मच इसको आप दूर दें, इंशाल्लाह ये ज़रा आपको बहुत अच्छा देगी। इसको कोई मसला नहीं होता धूप में ना छाँव में, ये बिल्कुल चलती रहती है 12 महीने। इसके अंदर एक फूल की डंडी भी निकलती है, मैं आपको शो करूँगा अगली वीडियो में इंशाल्लाह। उस तो इसके सीड बनते हैं, फूल खिलते हैं इसके, मैं आपको शो करूँगा। आपको दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़ मेरे दोस्तों।